हेलो, मेरा नाम प्रदीप सिंह राघव है। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। क्लास नंबर 31 में आपका स्वागत है। आज अपन टाइकोंडो की प्रैक्टिस करने वाले हैं, साथ में कुछ और चीजें भी करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपन जंपिंग जैक से। ठीक है, 50 बार करना है आपको। ठीक है, नॉर्मल जंप प्लस जंपिंग जैक। 1 2 3 4 50 बार, 5 6। ठीक है, नेक्स्ट चीज है अपन को हाथों को इतना ही लेके जाना है और पैर वैसे ही चलेंगे जैसे जंपिंग जैक में चलते हैं। ठीक है, नीचे जाएंगे हाथ, वापस यहां तक आएंगे। ठीक है, देख लो। ठीक है, ये चीज 50 टाइम्स। ठीक, नेक्स्ट चीज है लेग क्रॉस में जाएंगे। ठीक है, दोनों हाथों को कमर पर रख लो और 2 बार को एक बार मारना, मतलब फ्रंट में एक बार बैक में, और उसको मारना 1। ऐसे 50 करना है आपको। देख लो, 1 2 3 4 5 6। ऐसे समझ में आ गया? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको? ओके, नेक्स्ट चीज के ऊपर चलते हैं। नॉर्मल नॉर्मल जंप करनी है अपन को सबसे पहले। ओके ठीक है, सबसे पहले बॉल थ्रो करनी है। बॉल थ्रो 20 टाइम्स। ठीक, बॉल थ्रो 1 2 3। समझ में आया? पैरों को वापस जब आप लैंड करवाएंगे तो उसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि लगे नहीं पैरों पे, पंजों के ऊपर आप आओ। ठीक है, दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखो, आउटर और इनर, मतलब बाहर की तरफ से और अंदर की तरफ से। ठीक है, 10 10 बार ये चीज। 1 2 10 10 बार। ठीक है, 3। अब दूसरा देख लो, 1 2 3। ओके, नॉर्मल एक जगह पे जॉगिंग और 1 एक जगह पे। ठीक है, नॉर्मल बैंड हो जाओ 100 टाइम ऑन द स्पॉट। ठीक, शुरू करो ये चीज 100 टाइम। ठीक है, फ्रंट बैक आगे पीछे 100 टाइम्स अगेन। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, इतना करने के बाद में नेक्स्ट चीज के ऊपर चलो, वो है लेग्स को रिलैक्स करना। ठीक, सबसे पहले क्या करना है अपन को, बैंड होना है और राइट वाले लेग के काफ को शेक करने की कोशिश करनी है, बीट करने की कोशिश करनी है। ओके, राइट वाला लेग उठाओ, स्ट्रेच। ठीक है, दोबारा स्ट्रेच दूसरी तरफ से, पीछे की तरफ से, दूसरा वाला पैर, उल्टे वाले पैर को भी शेक करने की कोशिश करो, बीट करो हल्का हल्का, उठाओ स्ट्रेच, ऐसे स्ट्रेच, पीछे की तरफ स्ट्रेच। ठीक है, ऐसे 3 3 बार कर रहे हैं आपको दोनों पैरों के साथ, सही है? ठीक, आगे चलो, दोनों हाथ बांधो, क्रॉस योर फिंगर्स, अप स्ट्रेच। ठीक है, नीचे हाथ पीछे बांधो और बेंड अगेन, आप वापस फिंगर क्रॉस, होल्ड करो 10 सेकंड से 15 सेकंड होल्ड कर लेना आप। ठीक है, वापस नीचे सेम 10 15 सेकंड नीचे भी होल्ड करना, 3 3 बार कर लेना। ठीक है, ओके, अभी अपन पैर को चलाते हैं। ठीक, दीवार के सारे हाथ रख लेना, वॉल के सारे, और साइड में पैर चलाना, साइड में पैर खोलना, दीवार के सारे, इसलिए ताकि सपोर्ट मिल जाएगा अपन को। ठीक है, इजीली हो जाएगा। कितनी कितनी बार करना है? 30 30 टाइम्स मतलब। ठीक है, पैर को प्रॉपर उठाना 30 टाइम्स, ब्लेड में उठाना, ब्लेड में। ठीक है, दोनों तरफ उठाना 30 टाइम्स। ओके, सबसे पहले स्ट्रेचिंग से शुरू करते हैं आज अपन। ठीक है, लाइट स्ट्रेचिंग करेंगे, दोनों पैर खोलो। ठीक है, सबसे पहले दोनों पैर पकड़ के और 20 तक गिनते गिनने हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, अभी अपन को करनी है क्रॉस टचिंग 50 टाइम्स। ठीक, प्रॉपर प्रॉपर करना, 50 बार। ओके, नेक्स्ट चीज है साइड निंग सिटअप्स 20 टाइम्स, 10 10 टाइम्स ईच साइड, दोनों तरफ 10 10 बार।
ठीक है, सूर्य नमस्कार पोजिशन दोनों तरफ तीन तीन बार, तीन पोजिशन बताइए हमें उसमें। सबसे पहले ब्लेड पर, ठीक है, दोनों हाथ नीचे पंजे पर, फिर दोनों हाथ पैर पे पंजे पे ही, चेन साइड ब्लेड पर, दोनों हाथ नीचे पंजे पर, दोनों हाथ ऊपर पंजे पर, कितनी कितनी बार करनी है, तीन तीन बार, ठीक है। उसके बाद में तीन तीन बार आपको दोनों तरफ होल्ड करना है, समझ में आ गया, वही 20 तक गिनती गिननी है अपने अंदर, और नोज को नीचे टच करना है, ठीक है, ऐसे, ठीक, 20-20 तक गिनती गिनना दोनों तरफ, ठीक है। मसल्स खींचेंगे इससे आपकी थाइस की, ठीक है, इंप्रूवमेंट लाएगी आपकी स्ट्रेचिंग के अंदर, ओके। अब दोनों हाथ ऊपर और पैरों को टच करना है, नीचे टच करना है, साइड में टच करना है, समझो, हाथ ऊपर, पैरों को टच, नीचे टच और साइड में टच, समझ में आया, घुटने बैंड नहीं होंगे। कितनी बार करना है आपको, ये आपको करना है 30 times, ठीक है, 20 बार फिर पुशअप लगानी है आपको, पुशअप्स ऐसे, ताकि जितनी आपकी स्ट्रेचिंग खुले उतनी खुल जाए और आप खोल के बैठ जाओ, ठीक है। स्ट्रेचिंग खोलने के बाद में वापस आपको पता है कैसे करना है, 30 बार क्रॉस स्ट्रेचिंग करनी है, हाथ सामने टच करने हैं और 20 बार आपको चिन टच करने की कोशिश करनी है, ठीक है, तीन तीन बार दोनों तरफ होल्ड करना है, चिन टच करनी है उसके चिन या नोज घुटने के बैठ के, 20 तक गिनती गिनना और 20-20 बार दोनों तरफ चक्की चलानी है, कहता समझ में आ गया, ओके। उसके बाद में क्या करना है आपको, घुटने बैंड करने, शेक करना है, पैर सीधे करने, शेक करना है, बटरफ्लाई में आना है, ठीक है, थोड़ी सी एक्सरसाइज यहां पे नहीं है, बटरफ्लाई पोजिशन में आ जाओ, ठीक है, और शेक करना, ठीक है। इतना करने के बाद में फिर आपको करनी है नेक्स्ट सी, दोनों पैर सीधे, ठीक है, पैर को पैर के ऊपर से लेके जाना है, ठीक है, और प्रेस करना है यहां से, ठीक है, दोबारा दूसरा वाला पैर प्रेस करना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट चीज वापस से अपन को ये चीज करनी है कि पैर बैंड किया और दोनों हाथ यहां से पकड़े और नोज टच कर दिया, ये चीज 1 2 3, ठीक है, कितनी कितनी बार, 10-10 बार दोनों तरफ करना, ठीक है, वो तो एक एक बार ही करना था जो मैंने करवाया था अभी इससे पहले, ये चीज 10 times करना दोनों तरफ, ओके, समझा गया। फिर से बटरफ्लाई पे आ जाओ, फिर से शेक करो पैरों को, दोनों पैर सीधे, ठीक है, सर्किल बनाने, 10 10 10 clockwise, 10 anti clockwise, दूसरा वाला पैर भी 10 clockwise, 10 anti clockwise, ठीक है। अभी क्रॉस, वहां ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ये चीज, पैरों को सीधे रखना, ठीक है, ओके। नाउ चेंज, दोनों हाथ यहीं पे, स्ट्रेचिंग प्लस एब्डोमिनल, दोनों हाथ यहां पे देखो ऐसे इस तरीके से, और 30 times ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 30 times कर लोगे ना आप इतना से इजीली। अब किसी पोजीशन में साइकिलिंग करनी है, कितनी कितनी, 30 30 30, ऐसे फॉरवर्ड 30, बैकवर्ड, समझ में आ गया, ठीक है। अभी बैठ के पैरों को नीचे टच करके फिर से शेक करो, ठीक है। अभी स्ट्रेचिंग का ही हुआ है, अभी तक अपन ने स्ट्रेचिंग की करी नहीं है, ठीक है। अभी आप लेट जाओ, उल्टे लेट जाओ, ठीक है, उल्टे लेट जाओ, दोनों हाथ खोलो, ठीक है, और आपको कोशिश करनी है कि पेट के दम पे आपको अपनी बॉडी को बैलेंस करना है, ठीक है, सुपरमैन पोजीशन बोलेंगे इसको अपन, और आपको पंच बनाना दोनों हाथों के, दोनों पंजे खींच लेना, ठीक है, और 10 तक गिनती गिननी है खुद के मन में और होल्ड करना है, ठीक है, मैं बताता हूं कैसे करना है, ठीक है, ऐसे अपन, ठीक है, देखो दोनों हाथ और दोनों पैर ऊपर रहने चाहिए, 3 2 1, ये चीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस से डाल, ऐसा आपको 5 बार करना है, समझ आया। फिर से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, पूरी बॉडी को खींचने की कोशिश करना, समझ आ गया, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, मजा आया आपको करके इस चीज को, ठीक है। उस समय खड़े हो जाना,
ओके समझ में आया? ठीक है इतना हो गया। अब राइट लेग पीछे रखो, सीधा वाला पैर पीछे, क्योंकि स्ट्रेचिंग में कंटिन्यू कर रहे थे अपन, और 10-10 स्ट्रेचिंग किक करनी है। ठीक है समझ में आया? 10-10 स्ट्रेचिंग किक आपको करनी है दोनों पैरों से। ठीक है उसके बाद में क्या करना है, दोनों हाथ यहां पर रखना है, 200 टाइम्स नहीं आए। ठीक है ओके देख लो, 200 टाइम्स नहीं आए, 30 टाइम्स बैक टच। ठीक है 30 टाइम्स बैक टच, नॉर्मल जंप प्लस बैक टच, 1, 2, 3, 4। ठीक है समझ में आ गया इतना। 30 बार बैक टच करने के बाद नेक्स्ट चीज करनी है आपको, किक्स के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज। ठीक है सीधा वाला पैर पीछे रखो, और ये चीज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 बार दोनों पैरों से करनी है, पहले छटना। ठीक है कितनी कितनी बार करोगे? एक बार ही बहुत है, समझ में आ गया? ठीक है इतना कर लिया आपने। ठीक है एक बार फाइनली एक बार थोड़ी सी एक्सरसाइज और कर लेते हैं, नॉर्मल जंप अगेन। ठीक है ओके अब फास्ट फास्ट 20 बार सेटिंग जंप प्लस बी जंप, मतलब 10 बार सेटिंग जंप 10 बार बी जंप। ठीक है जल्दी जल्दी करते हैं फास्ट फास्ट, देखो एक बार सेटिंग एक बार बी, एक बार सेटिंग एक बार बी, देखो जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे 20 बार पहले सुना ना। ठीक है इसके बाद चलते हैं अपन किक्स के कॉम्बिनेशन के ऊपर। ये एक्सरसाइज का सेट आपने कर लिया, इसके बाद आप चाहो तो थोड़ा बहुत रेस्ट ले लो, बीच में कहीं भी रेस्ट ले सकते हो आप, कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है अभी नेक्स्ट चीज क्या करनी है आपको, किक्स के तीन कॉम्बिनेशन करने हैं। कॉम्बिनेशन नंबर 1 इज अपना सबसे पुराना वाला स्लैप फ्रंट स्लैप हुक। कॉम्बिनेशन नंबर 2 आउट टू इन इन टू आउट इन टू आउट। कॉम्बिनेशन नंबर 3 साइड साइड हुक। समझ में आया आपको? तीनों मैं आपको तीनों करके दिखा रहा हूं। ठीक है एक बार देखना आराम से और समझने की कोशिश करना। ठीक है इन सब की प्रैक्टिस करनी है आपको, मैं बता रहा हूं कितना कितना करना। स्लैप स्लैप एंड हुक ठीक, कॉम्बिनेशन नंबर 1। कॉम्बिनेशन नंबर 2 इज आउट टू इन इन टू आउट, ये सेकंड नंबर का कॉम्बिनेशन। थर्ड नंबर का कॉम्बिनेशन है जिस पैर से मार रहे हैं वो पैर आगे रहेगा। ठीक है साइड साइड एंड हुक, कितना समझ में आया आपको? ठीक है कॉम्बिनेशन नंबर 1 कितना करना है आपको, दोनों पैरों से 20-20 बार। कॉम्बिनेशन नंबर 2 करना है 30 बार, और कॉम्बिनेशन नंबर 3 20-20 बार। इतना समझ में आ गया? ठीक है नेक्स्ट चीज के लिए ऊपर चलते हैं अपन, किक्स का इतना हो गया अपना पोर्शन। ठीक है लास्ट चीज कर रहे हैं, टाइगर जंप प्लस पुशअप्स, टाइगर जंप प्लस पुशअप्स, मगर थोड़ा सा चेंज है देख लो। टाइगर जंप प्लस पुशअप, पहले पुशअप फिर टाइगर जंप। ठीक है देखो पहले ऐसे पोजीशन में है, ए पुशअप, अब दोनों पैर दोनों हाथों के बीच में रखने हैं, ये चीज खड़ा होना है, टाइगर जंप, अगेन पोजीशन में रहना है, पुशअप जंप टाइगर जंप, कितनी बार करना है? 10 टाइम्स। इतना समझ में आ गया? बस इतना ही करते हैं आज, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।